त्वाम विघ्न शत्रु दलनी तिच सुंदरीती भक्त प्रियेति सुखदेति फल प्रदेति विद्या प्रदेत्यज्ञ हरेति चयी स्तुवंती तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। अन्य सभी देवी देवताओं के समान भगवान गणेश ने भी आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए विभिन्न अवतार लिए। श्री गणेश के इन अवतारों का वर्णन गणेश पुराण, मुग्दल पुराण, गणेश अंक इत्यादि ग्रंथों में प्राप्त होता है। गणेश जी के इन्हीं 8 अवतारों की संक्षिप्त जानकारी 8 वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। महोदर अवतार। महोदर गणेश जी का तीसरा अवतार है। भगवान गणेश ने महोदर रूप में मोहासुर नाम के राक्षस को पराजित किया था, जो कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परम शिष्य था। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को संस्कार देकर देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर ने अपने तपोबल से सूर्यदेव को प्रसन्न किया और उनसे त्रैलोक के विजय का वरदान प्राप्त कर लिया। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे असुरों का राजा घोषित कर दिया। भगवान सूर्य से प्राप्त वरदान और अपने बल के माध्यम से उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर आतंक का साम्राज्य स्थापित कर दिया। उसके इसी आतंक का निवारण करने के लिए ही भगवान गणपति ने महोदर रूप में अवतार लिया था। जब सब देवी देवता ऋषि मुनि मोहासुर के भय से आक्रांत होकर छुपने के लिए स्थान तलाशने लगे और पृथ्वी पर धर्म कर्म की हानि होने लगी, तो मोहासुर से मुक्ति दिलाने के लिए देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। देवताओं के इस भक्ति भाव और तपस्या से प्रसन्न होकर श्री गणपति महाराज महोदर रूप में प्रकट हुए। प्रेम से बोले, महोदर भगवान की जय। महोदर का उदर अर्थात पेट बहुत बड़ा था। देवताओं और मुनियों ने भगवान महोदर से अपने कष्ट का निवारण करने के लिए कहा। भगवान महोदर ने उन्हें मोहासुर का वध करने का आश्वासन दिया। वे अपने वाहन मूषक पर सवार होकर दैत्यराज को सबक सिखाने चल पड़े। इधर नारद मुनि मोहासुर के पास गए और उसे महोदर की शक्ति का परिचय देते हुए समझदारी से काम लेने को कहा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे देवी महोदरा की शरण में जाने को कहा। उसी समय महोदर के दूत बनकर भगवान श्री हरि विष्णु भी मोहासुर के पास गए और समझाया कि तुम महोदर को परास्त नहीं कर सकते, अच्छा यही होगा कि तुम उनकी शरण में जाओ और मैत्री कर लो। यदि तुम महोदर की शरण में आकर देवताओं मुनियों और ब्राह्मणों को धर्म पूर्ण जीवन व्यतीत करने का आश्वासन दोगे तो अवश्य तुम्हें जीवन दान देंगे, अन्यथा युद्ध में तुम्हारी पराजय और मृत्यु सुनिश्चित है। तब मोहासुर का अहंकार नष्ट हुआ और उसने महोदर को सम्मान सहित अपने नगर में बुलाकर उनकी शरण ग्रहण की, पाप कर्म से दूर रहने का निश्चय किया। इसके बाद महोदर ने उसे जीवन दान देकर देवताओं और समस्त ब्रह्मांड को महोदर के आतंक से, उसके कष्ट से मुक्ति दिलाई। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने भगवान गणपति के तीसरे अवतार महोदर अवतार की कथा लेकर के प्रस्तुत हुए। मैं आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर गणपति महाराज के चौथे अवतार गजानन अवतार की कथा लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गणपति महाराज, जय जय गुरुदेव।